और चलिए अब दिल्ली से खबर लेते हैं। बुराड़ी में मृत मिले परिवार के सभी 11 लोगों की मौत फांसी लगने से ही हुई थी, ये जानकारी पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने दी है। और पुलिस इस केस में अब आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा भी जोड़ेगी और साथ ही उसे शख्स की तलाश शुरू कर दी गई है जिसने मोक्ष के नाम पर परिवार का ब्रेन वॉश किया होगा। पुलिस को पता चला है कि परिवार एक स्वयंभू बाबा को काफी मानता था और क्राइम ब्रांच को भी किसी गदा बाबा के बारे में जानकारी मिली है। इसके अलावा घर से बरामद रजिस्टर में भी कई बातें सामने आई हैं। इसमें बड़ पूजा के बारे में लिखा है जिसके अनुसार लटके हुए शव बरगद की जड़ों जैसे दिखने की बात कही गई है। वहीं मृतकों के परिजन तंत्र मंत्र जैसी किसी बात से इनकार कर रहे हैं। परिजनों को शक है कि परिवार ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या की गई है। तो इस केस में, इस मिस्ट्री में कई सारे पेंच नजर आते हैं। परिजनों का कुछ और कहना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो प्राथमिक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फांसी के फंदे से लटकने से ही मौत हुई है इन लोगों की। क्या ऐसा मुझे कुछ पता नहीं। हमें कोई चीज मेरे ना सामने आई है, हमें तो ये चीज मिला हुआ है। मेरे सामने जब चीज आएगी उसका जवाब मैं दूंगा। मुझे ये लगा है किसी ने धोखा किया, किसी ने किया कुछ कुछ किच की। मैं अरे उनके घर आती थी क्या मुझे, अब मैं न्यूज में पढ़ के आई हूँ। मेरा ललित भाई जी 5 बजे, अरे 10 बजे उठता था, 10 बजे एक बार तो मैं बिना मिले चली गई। फोन आया, दीदी तू चली गई, मैं सो रहा था, मैंने कहा कोई नहीं बैठे कुछ बात नहीं। लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, तो किसी के ऊपर शक है आपको? शक मुझे समझ नहीं आई कौन कर गया, हमारा दुश्मन मेरे देवताओं को कोई आई नहीं। एज अ सन अगर कुछ ऐसा उनको रिलीजियसली दिखता है या होता है तो इट कुड बी थिंग। बहुत लोगों को जो उनके बहुत क्लोज होते हैं वो दिख जाते हैं, उनको लगता है ऐसा कि उनको फील हो रहा है। इट्स ऑल स्पिरिचुअल, आप किसको वर्ड देना चाहो तो आप दे लो, बट इट्स नॉट रियल। अगर उनको कुछ फील होता है तो होता होगा, बट इट्स नॉट बीन डिस्कस्ड।